ओटी कम करता हूँ तो मतलब 20+ जाता है, 21-22 चला जाता है। अभी मेरा सैलरी इस मंथ आएगा मतलब 22+ आएगा। नहीं तो बहुत सारे हमारे कंपनी में जो लड़का है जो ओटी करते हैं तो वो 25-28-30 तक कमा लेते हैं ओटी। तो दोस्तों अभी मेरे साथ एक दोस्त है जो कि पिछले एक साल से नीम ट्रेनिंग के बेस पे एडन कंपनी में जॉब कर रहा है। तो दोस्तों मैं बहुत सारा वीडियो एडन कंपनी के ऊपर ही बनाया हूँ, तो अभी जो इनका एक साल का एक्सपीरियंस है वहाँ पे इनको क्या क्या झेलना पड़ रहा है या फिर क्या क्या वहाँ पे अच्छी और क्या क्या बुराई बातें ये हमसे अभी शेयर करेंगे, ताकि जितने भी लोग एडन कंपनी में जॉब करना चाहते हैं अभी और जो अभी कंपनी के गेट पे बार बार जा रहे हैं और जॉब के लिए सर्च करने के लिए, उसको भी थोड़ा सा जॉब ज्वाइन करने से पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए वो ये भी बताएंगे। और जो भी एक साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, कैसे यहाँ पे जॉब मिलता है, क्या क्या काम करना पड़ता है, मैक्सिमम बंदे को वहाँ पे किस डिपार्टमेंट में रखा जाता है, ये सब बातें इनसे जानकारी लेंगे। तो पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजन कुशवाहा। अच्छा, अभी ये मतलब आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं बिहार से रहने वाला हूँ और एडेंट कंपनी में जॉब करता हूँ। मतलब एडेंट कंपनी में आप कब ज्वाइन किए? एडेंट कंपनी में 8 जनवरी को ज्वाइन किया मैं। 8 जनवरी को? मतलब एडेंट कंपनी के बारे में पता कैसे चला आपको? एडेंट कंपनी के बारे में आपके वीडियो से ही पता चला। अच्छा अच्छा। मैं जॉब नहीं करता था, आपका यूट्यूब पर सर्च करता था जॉब के बारे में। अच्छा, वीडियो से ही मुझे मालूम चला एडेंट कंपनी के बारे में। अच्छा अच्छा। तो 1 जनवरी को ज्वाइन किए थे, पिछले 1 जनवरी को ना? हाँ, पिछले 1 जनवरी को ज्वाइन किया था मैं कंपनी। अच्छा, डायरेक्ट गेट पे गए थे क्या? आपका वीडियो देखकर गेट पर गए थे डायरेक्ट। हाँ, सिक्योरिटी से बात किया तो वो बोला ठीक है ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो डेट बताया कितने डेट का हो तुम्हारा ज्वाइनिंग हो जाएगा, फिर मैं डेट को फॉलो किया और ज्वाइनिंग मेरा हो गया। अच्छा, अभी आपका वहाँ पे सैलरी क्या, स्टार्टिंग सैलरी क्या था? अभी मेरा स्टार्टिंग सैलरी जो था वो 13,000 और खाना पीना भी प्लस मिलता था उसमें। अच्छा अच्छा। और ओटी वगैरह का क्या है? ओटी मिलता है, ओटी डेली का भी मिलता है, हफ्ते में मतलब 4-5 दिन ओटी बुला ही लेता है, आपकी मर्ज़ी आप जा भी सकते हैं। और ओटी का जो घंटा है वो 110 रुपये घंटा मिलता है ओटी। अच्छा, और ये कैंटीन बस ये सब फैसिलिटी देखने को मिलता है कि नहीं? कैंटीन मिलेगा, हर बंदे को मिलेगा जो परमानेंट है और जो कॉन्ट्रैक्ट द्वारा है, लेकिन बस नहीं मिलेगा, बस ओनली परमानेंट के लिए है। अच्छा अच्छा, परमानेंट वालों के लिए सिर्फ बस है? ओनली परमानेंट वाले के लिए। और यहाँ पे आपको किस बेस पर रखा गया है? मुझे ट्रेनिंग बेस पर रखा गया है, नीम ट्रेनिंग पे। नीम ट्रेनिंग पर रखा गया। मतलब बहुत सुनते हैं क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है नीम ट्रेनिंग का, किसी को 6 महीने भी निकाल देता है, इसका क्या प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्ट पे जो रखता है? 6 महीने में नहीं निकालता है, 1 साल+ लेता है, 1 साल। अच्छा, एक मतलब 2 मंथ ऐसे लेता है। हाँ। और इसे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है, 3 माह हमारे कंपनी में 3 कॉन्ट्रैक्ट, एक बीजन प्लेसुअल और DMC। अच्छा अच्छा। तो उसमें 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल का है और 1.5 साल का, ऐसे 1.5 साल+ लेता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। फिर 1 साल या फिर 3 साल या फिर 1.5 साल के बाद निकाल देता है? निकालता 2 से 3 महीने बाद ब्रेक दे देता है, उसके बाद बोलता है कि 2 से 3 महीने बाद फिर तुम्हारा ज्वाइनिंग होगा। तो जो अच्छा बंदा काम करता है कंपनी में उसको बुलाता है, नहीं तो कम से कम 4 से 6 महीने बाद ही लेता है, नहीं तो 2-3 महीने बाद, 2-3 महीने के लिए ब्रेक देता है। अच्छा, जैसे कि मतलब 1 साल या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट नीम ट्रेनिंग का खत्म होने के बाद फिर 1 या 2 महीने का वहाँ पे ब्रेक होता है। हाँ। ब्रेक होने के बाद फिर अगर आप अच्छे काम किए होंगे वहाँ पे, आपको वो जानता होगा अच्छे से, तो फिर आपको बुलाता है ना? हाँ, फिर 10 से 15 दिन बाद, 1 से 2 महीने बाद में बुला लेगा अंदर में, नहीं तो 4 से 6 महीने बाद ही आपको बुलाएगा। अच्छा अच्छा। वहाँ पे फिर वैकेंसी वगैरह निकलता है या फिर उनको लगता है कि अभी उन लड़कों की ज़रूरत है जो पहले काम करता था? हाँ, तो फिर बुलाता है हम लोगों को, जो लोग भी जिनका ब्रेक हुआ है 1 से 2 महीने बाद ब्रेक दिया उनका, उनको बुलाता है। तो दोस्तों ये एडेंट कंपनी हिंजौड़ी में है और हिंजौड़ी फेज 1 में है। तो जो भी दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैं इस पे वीडियो बनाया था, तो वहाँ का आपको मतलब ज़्यादातर किस डिपार्टमेंट बंदे को लगाया जाता है, ज़्यादातर किस जगह पे काम होता है वहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जैसे फोम लाइन हो गया हमारे कंपनी में, लाइन मतलब जैसे फोम लाइन हो गया, जीट लाइन हो गया, तो फोम लाइन हर जहाँ पे बंदा कम रहेगा वहाँ पे आप लोग को ज्वाइन मतलब लड़के को डाल देगा, और फोम लाइन में बंदा कम है तो फोम लाइन में डाल देगा, जीट लाइन में कम है तो जीट लाइन में डाल देगा, और क्वालिटी में कम है तो क्वालिटी में भी डाल देगा, जहाँ बंदा कम रहता है वहाँ पर डाल देता है लड़के को। अच्छा, अभी आप कितना कमा लेते हैं? सुने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। मैं अभी तो 13,000 मेरा सैलरी है प्लस खाना पीना है, रोटी वगैरह लेके 20-22 कमा लेता हूँ, ओटी कम करता हूँ तो मतलब 20+ जाता है, 21-22 चला जाता है। अभी मेरा सैलरी इस मंथ आएगा मतलब 22+ आएगा। नहीं तो बहुत सारे हमारे कंपनी में जो लड़का है जो ओटी करते हैं तो वो 25-28-30 तक कमा लेते हैं ओटी करके।
बोलते हैं लोग हार्ड वर्क काम होता है, पैसा तो मिलता है हार्ड वर्क कम होता है, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? नहीं उतना हार्ड वर्क नहीं होता है कि 20-25 केजी ऐसे उठाने के लिए, कोई उठाने का कोई काम नहीं है कि 20-25 केजी उठा लीजिए आप, एकदम हार्ड वर्क कराता है, पूरा काम कराता है, नहीं तो 8-8 घंटा एकदम ये उठाओ वो उठाओ ऐसा नहीं, नॉर्मल काम होता है कोई भी कंपनी में, कोई हार्डवेयर कंपनी में जैसे लोहावा का कोई कंपनी में एकदम लोहा उठाओ 50-50 केजी का, ऐसा कुछ नहीं है ना, नॉर्मल काम है लेकिन काम करना पड़ता है कंटिन्यू, अच्छा सैलरी मिलता है। क्वालिफिकेशन क्या मांगता है शुरुआती में, कोई जब बंदा जाना चाहता है तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन? कोई बंदा जाना चाहता है तो 12 पास होना चाहिए प्लस वही आधार कार्ड बैंक अकाउंट ऐसा लगता है, कोरोना का डबल डोज होना चाहिए बस, जिसके पास डबल डोज नहीं है उनको भी लेता है लेकिन थोड़ा बोलता है डबल डोज लेकर आओ कोरोना का बहुत अभी। और 10th पास के लिए कोई उपाय नहीं है क्या? 10th पास के लिए कभी कभी लेता है, जैसे बंदा एकदम अर्जेंट है तभी 10th पास के लिए लेता है, नहीं तो डिप्लोमा ITI 12 पास जो है उनको लेता है कंटिन्यू। अच्छा, और बहुत सारे बोलते हैं मेरा 31 है या 41 है या फिर 18 है 20, इसके बारे एज के बारे में क्या बताना चाहते हैं, इन एज वालों को वहाँ पे क्या मैटर है? एज 18 प्लस लेता है, 18 भी है तो आपको ले लेगा, नहीं तो 18 प्लस लेता है, 17 भी होगा तो ले लेगा, कोई कोई को 17 लेता है, जैसे एजेंट बंदा मैं आपको अभी बताया कि एजेंट जिसका अभी कोई बंदा कंपनी से निकल गया है लेकिन अभी एजेंट चाहिए बंदा तो 17 प्लस ले लेगा, नहीं तो 18 प्लस ही लेता है पूरा 100%। ये ऐसा तो नहीं होता होगा, मतलब 18 प्लस गवर्नमेंट का रूल है तो 18 प्लस कोई वो हायर करता होगा ऐसा तो हम समझ सकते हैं बात को, नहीं 18 प्लस होना चाहिए मिनिमम, और 24 लेता है मैक्सिमम 24 होता है ना, 24 होना चाहिए। तो मेरा दोस्त था और ये पिछले एक साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तब उस समय मेरा दूसरा वीडियो होगा दोस्तों, उस समय ये शायद उसी समय ये वीडियो को देखे थे और गए थे, और इनका एक साल का जो भी इनके पास एक्सपीरियंस था दोस्तों इन्होंने सारा कुछ बताने का कोशिश किया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस वीडियो से आपको जो भी जॉब सर्च कर रहे हैं एडेंट के बारे में, यहाँ आना चाहते हैं पुनः आना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ पहले से ही मतलब वहाँ के बारे में आपको पता चला होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों आप यहाँ पे क्या क्या करते हैं? और यहाँ पे मैं जॉब के साथ साथ अपना ऑनलाइन अर्निंग भी करता हूँ, जैसे मेरा एक यूट्यूब चैनल है द पेटीएम अर्निंग के नाम से, पेटीएम अर्निंग, हाँ द पेटीएम अर्निंग के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैं अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न करता हूँ, 200-300-500 डेली का अर्न भी कर लेता हूँ, प्लस कंपनी में जॉब करके 20,000-22,000 पर मंथ में कमा लेता हूँ। इतना पैसा क्या करते हैं? इतना पैसा करते हैं घर वाले को सपोर्ट करते हैं। पहले मैं जॉब नहीं करता था तो मैं सोचता था कहाँ पे जॉब करूँगा, मुझे पैसा कहाँ से आएगा, तो मैंने आपका वीडियो देखकर जॉब पुणे में पकड़ा और वहाँ से जॉब करके मैं पैसा कमाता हूँ, फिर धीरे धीरे ऑनलाइन भी आ गया, ऑनलाइन भी ये ऑनलाइन भी करते हैं रूम में बैठ के और ऑफलाइन कंपनी में जाते हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात होता है, एक जगह से कुछ नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं दोस्तों आप अलग अलग तरीके का रिसोर्स मतलब खोजो, मैं भी खोजता हूँ आप भी खोजो, सब मिलके दोस्तों एक अच्छा सा लाइफ जीने की कोशिश करेंगे तभी हम लोग सक्सेस हो पाएंगे, हमारा इंडिया आगे बढ़ पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं जरूर कुछ सीखने को मिलेगा, तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।